प्यार के नशे में तो यूं ही ना गवाइए, मेरे हसन के प्याले को होठों से लगाइए, ये प्यार के नशे में तो यूं ही ना गवाइए। साले इतना घटिया प्रॉमिस, सैलरी के पे ट्रीट देगा? अबे तो गलत बोला था क्या, सैलरी मेरी तो ट्रीट दिया ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रीट, इतनी बढ़िया ट्रीट के लिए संतोष के नाम पे जोरदार तालियां। अबे तुम लोग को खुशी नहीं है क्या? क्या अबे कैसी खुशी बे, जब मुझे फसल नहीं मिली थी ना तो सबको लेकर गया था दीपावर में, पट्टे तक पिलाई थी, याद है ना दीपक? हाँ याद है, अच्छी याद है ना दीपक? हाँ याद है, अच्छी तरह याद है साला, सैलरी से ज्यादा को दारू का बिल आया था। फिर क्या बर्तन मांजे या मोबाइल रखना पड़े? नहीं यार भला ऐसे दोस्त होते हैं, मोबाइल रखने के या बर्तन मांजने की नौबत क्यों आएगी भला? बड़े कमीने दोस्तों, सालों टू डेट का मतलब होता है सब दोस्तों को इकट्ठे मिलना, घर ऑफिस इन सब टेंशनों से दूर कुछ हंसी खुशी पल बिताना। ये थोड़ी के पकड़ में पियो, पूरी सैलरी एक ही रात में बोतलों में डुबा दो और फिर एक दूसरे से भीख मांगो। इसी के नाम तो दोस्ती होता है दोस्त, दोस्ती पैसा और जेब नहीं देती, वो भी पहली से ले ली। माफ करना फ्रेंड्स, जिस तरह की ट्रीट की हो तुम लोग मुझसे कर रहे थे वो नहीं दे पाया, क्योंकि जिस तरह मेरी पहली सैलरी की ट्रीट का इंतजार तुम लोग कर रहे थे ठीक उसी तरह मेरे घर पे माँ बाप और भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जितने ज़रूरी मेरे लिए तुम लोग हो उससे कहीं ज़्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे माँ बाप और उनकी खुशियाँ हैं। करेक्ट, क्योंकि दोस्त तो लाइफ में बहुत मिल जाएंगे संतोष, पर माँ बाप एक ही बार मिलेंगे, दारू का क्या है, पीलो दो बार जाकर सुसु किया सारी पूरे से मेरी सुसु में बाहर गई, बट यू आर ग्रेट संतोष। ग्रेट नहीं राजेंद्र, गरीब और घर की उम्मीदों का एकमात्र किरण। तुम लोग भी सोचते होंगे संतोष इतना कंजूस है, सेल्फिश है, सारा वड़ा पाव में निपटा दिया, पर तुम लोग ये नहीं जानते मेरी सैलरी के एक रुपये की मेरे घर को कितनी ज़रूरत है। सॉरी यार, वी आर जस्ट हाँ तुमको समझे, टाटा या अंबानी के रिश्तेदार नहीं, हमारी फैमिली भी आज चाहिए दिवाली की तरह बिताती, बाकी के दिन तो एडजस्टमेंट में निकल जाते, मगर आज मेरी कहानी भी कुछ तेरी कहानी की तरह है यार, शादी स्कूल स्कूल के खर्चे साली सैलरी बाद में आती है, मगर एक पेपर पर लिस्ट लिस्ट कर्जों की बढ़ जाती है। भी कुछ तेरी कहानी से मिलती है दोस्त, शादी बच्चे स्कूल के खर्चे साली सैलरी बाद में आती है, मगर एक लिस्ट पर खर्चे और कर्जों की लिस्ट रेडी हो जाती है। प्रॉब्लम से निकलने का आइडिया है मेरे पास, कोशिश करने में क्या है, तुम लोग बोलो तो आइडिया बताओ। चल और हाँ मैं कहता हूँ शुभ काम कल से ही स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद जब भी मीटिंग होगी चाय पानी का बिल सब साथ में शेयर करेंगे। ओके हाँ कल मिलते हैं ऑफिस के बाद। डन डन।